मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बच्चों के साथ रांची आदिवासी हॉस्टल पहुंचे, परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की, लोगों को शुभकामनाएं दी और इस समय जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें अल्बर्टेक का चौक, रांची का जो सबसे प्रसिद्ध चौक है या यूं आप कहें कि रांची का हार्ट है, हृदय है, वहां पर ये सरहुल की शोभा यात्रा और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक परिधान में ढोल मांदर की थाप पर थिरकते हुए प्रकृति के पूजक, प्रकृति के संरक्षक, तकरीबन 2 साल के बाद यह मौका आया है कि एक बार फिर से सरहुल की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हो सके हैं, इसलिए एक अलग तरह की खुशी आज इनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुबह से कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं, आदिवासियों को, समाज के लोगों को, झारखंड को संबोधित कर चुके हैं और ये जो तस्वीरें इस समय वो रांची के अल्बर्टेक का चौक से। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार का सरहुल या आप रामनवमी की बात करें इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 2 साल के बाद एक बार फिर से ऐसा मौका आया है जिसके लिए हमेशा से आदिवासी समाज के लोग इंतजार करते हैं। सरहुल की शोभा यात्रा रांची का काफी प्रसिद्ध है, काफी भीड़ होती है और इस दौरान आदिवासी परंपरा का सजीव चित्रण आप देख सकते हैं इस शोभा यात्रा में। सदियों पुरानी यह परंपरा और झारखंड इसके लिए जाना जाता है, झारखंड इसके लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ना सिर्फ जल जंगल जमीन की बात होती है यहां पर, बल्कि जब भी बात होती है आदिवासी परंपरा की बात होती है और जब आदिवासी परंपरा की बात होती है तो जो खास त्यौहार होते हैं जिनमें सरहुल का नाम पहले आता है और उसकी शोभा यात्रा में जिस तरह से वो पारंपरिक नृत्य देखने को मिलता है आदिवासियों का, पारंपरिक परिधान पहने हुए प्रकृति के ये पूजक जो मैसेज देते हैं समाज को वो भी एक खास अंदाज में मैसेज देते हैं। दूसरी बात ये कि पाहन जो जिन्हें आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं समाज के लिए, उन्होंने आशंका जाहिर की कि बारिश अच्छी होगी फसल की, उन्होंने भविष्यवाणी की है तो इस वजह से और भी इस बार का जो सरहुल है वो खास हो जाता है और इस वजह से और भी जो है वो आदिवासी समाज के लोग खुश नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को और ये तस्वीरें देखिए जिसमें समाज की महिलाएं पारंपरिक नृत्य करते हुए मांदर की थाप पर धीरे धीरे जो है वो जुलूस शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। इससे पहले कल ही कई आदिवासी संगठनों के लोगों ने ये अपील किया था समाज के लोगों से ज्यादा लोग जो है वो शामिल हो इस शोभा यात्रा में और शायद यही एक वजह भी है, यही एक वजह भी है कि जो नजारा देखने को मिल रहा है। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उसे लाइव कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय लाल जी, कल ही हमने दिखाया भी था कि आदिवासी समाज के कई लोग जो है वो हमारे माध्यम से भी, न्यूज 11 के माध्यम से भी अपील करते आदिवासी समाज के लोगों से नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और इस शोभा यात्रा में शामिल हो। 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला, फिर से एक बार सरहुल की शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली जा रही है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तकनीकी कुछ खराबी है, एक बार फिर से अपने सहयोगी अजय लाल जी का हम रुख करना चाहेंगे। अजय लाल जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दिखा पा रहे हैं अल्बर्टेक का चौक की, ये तस्वीरें काफी भव्य है जो ये बताता है कि 2 साल के बाद जब मौका आया, 2 साल के बाद जब मौका आया है ऐसा कि सरकार की तरफ से छूट भी दी गई है तो ये भव्य शोभा यात्रा देखते ही बन रहा है अल्बर्टेक का चौक से।
आवाज हमारी पहुंच पा रही है? राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, जी बोलिए, तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। और बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं, जिस प्रकार से उमंग और उत्साह के साथ लोग यहां पहुंच रहे हैं। सरहुल जो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है जी, लोग पूरे आनंद के साथ झूमते नाचते यहां पहुंच रहे हैं। 2 साल के गैप के बाद एक ऐसा अवसर आया है जब लोग खुशियां मना रहे हैं। और जी यहां पर अलवर टेक्का चौक के पास लोग पहुंचकर यहां पर समागम होता है, अलग अलग जगहों से जुलूस निकलकर यहां पर पहुंचता है। विभिन्न इलाकों से जुलूस यहां पहुंचकर लोगों में उत्साह है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन राजा से कहूंगा कि जरा वो दिखाए कि क्या उत्साह है। जी तस्वीरें जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, और बांदर की थाप पर जिस तरह से आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा में शामिल हुए, वो देखते ही बन रहा है। राजधानी रांची की अगर बात करेंगे तो सरहुल की शोभा यात्रा काफी खास होती है और कई मायनों में खास होती है। झारखंड की आप बात कर ले, झारखंड की परिप्रेक्ष्य में आप बातें कर ले, जल जंगल जमीन का ये प्रदेश जहां पर आदिवासी संस्कृति खास, इसमें एक अहम रोल है झारखंड की संरचना में। और झारखंड की भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो जंगलों से, पठारों से और प्रकृति के इर्द गिर्द रचा बसा ये झारखंड, ये बताता है कि किस तरह से ये जो राज है वो प्रकृति की गोद में है। और यही चल गया जब आप सरहुल की शोभा यात्रा को गौर से देखेंगे, आदिवासी परंपरा को आप देखेंगे तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे कि कैसे ये जो आदिवासी समाज है वो डायरेक्टली कनेक्ट है प्रकृति से। और यही वजह है कि ये समाज जो है वो सदियों से प्रकृति का पूजक रहा है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रमों में कई शिरकत कर चुके, सुबह से साफ तौर पर कई मैसेज दिया। अजयलाल जी का रुख करेंगे। अजयलाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आवाज सवाल पूछिए अपना। बिल्कुल, हम तस्वीरें आपके माध्यम से जो देख पा रहे हैं अजयलाल जी, काफी भव्य तस्वीरें हैं। और कल की ही बात करेंगे तो कई आदिवासी समाज के जो नेता है हमारे माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए नजर आए, चूंकि 2 साल के बाद सरकार की तरफ से प्रोसेशन शोभा यात्रा निकालने में छूट दी गई है, तो ये आदिवासी समाज के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जो है और महिलाएं जो है वो पारंपरिक वेशभूषा में आए, और वो देखते ही बन रहा है। वाकई जो नजारा देखने को मिल रहा है 2 साल के बाद, काफी सुखद अनुभव, और हमारे दर्शक भी उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। अजयलाल जी, बिल्कुल अलौकिक तस्वीर, अनोखी तस्वीर इस वक्त भी राजधानी रांची का लाल टिक्का चौक के पास मैं देख पा रहा हूँ। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, महुआ मांझी भी मौजूद है। 2 सालों के बाद ये ऐसा वक्त आया जब राजधानी रांची में इस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़े। मैडम, 2 सालों के बाद ऐसा दृश्य राजधानी के रांची के लोगों ने देखा। देखिए, लोगों के मन में बहुत जोश और उत्साह है। 2 साल कोरोना की वजह से सरहुल पर्व ही नहीं मना पाए थे। मैं तमाम राज्यवासियों को सरहुल की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य में खुशहाली रहे और कभी भी कोविड जैसी महामारी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकृति पर्व के बारे में झारखंड की सभा 3 करोड़ जनता को? मैं यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह से प्रकृति के पुजारी बने रहें, क्योंकि विकास का जो पूंजीवादी मॉडल है वो दुनिया को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। आदिवासी ही प्रकृति के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करना जानते हैं, प्रकृति पूजा के माध्यम से प्रकृति को बचाए रखते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, और ये हमेशा ऐसे ही खुशहाली बरकरार रहे और लोग उत्साह
के साथ सरूल कर्मा जैसे पर्व मनाते रहे। मैं एक बार फिर से राज्यवासियों को सरूल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। खुशी की बात है कि इसमें कई धर्म कई जाति के पर्व त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। एक तरफ रमजान का पवित्र महीना है, दूसरी तरफ चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है, रामनवमी आने वाला है, सरूल भी है। तो हमारा जो देश है वो रंग बिरंगी संस्कृति रंग बहुत सारे जाति धर्म सब लोग मिलजुल कर किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं साम्प्रदायिक स्वभाव बरकरार रखते हुए, ये सचमुच उसका मिसाल है। आप रांची में देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से प्रकृति पर्व सरहुल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। महुआ मांझी बिल्कुल सरहुल के मौके पर झारखंड की सभा ऐसे जारी किया, तमाम लोग पर्व के पीछे से जो लोग मौजूद हैं सरहुल के महोत्सव को, यही वो चेहरे हैं जो कि यादगार बनाते हैं। सर आप लोगों के बिना सरहुल संभव नहीं है, आप लोगों के बिना सरहुल संभव नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बहुत खुशी हो रहा है कि लगातार दो वर्ष कोरोना में बीत गए और आज दो वर्षों के बाद आज मौका मिल रहा है फिर से हम लोग सरहुल त्योहार मनाने का। तो मैं तमाम झारखंड वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस सरहुल महोत्सव में आने का। पूरी तरह से सम्मानित कर रहा है, तमाम यहाँ पर लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उसके बाद महुआ मांझी को भी मैडम तो खड़ी हो जाएंगी। मैडम और इस प्रकार से तो मंच पर से आदिवासी नेताओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे सहयोगी जलाल जी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले महुआ मांझी से, उन्होंने एक बार फिर से समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी है, प्रकृति के पूजक बने रहने की उन्होंने बात कही, क्योंकि प्रकृति के पूजक ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए अल्बर्ट एक्का चौक से। राजेश जी क्या नजारा वहां पे, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं काफी भव्य नजारा है, और जो एक प्रकृति संरक्षण की आप बात करते हैं, जो आदिवासी परंपरा की बात करते हैं, और ये आदिवासी समाज जो है वो जो शोभा यात्रा में जो पारंपरिक नृत्य के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को, काफी देखते ही बन रहा है। जानकारी पूरी चाहेंगे आपसे राजेश जी। राजेश जी हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? तकनीकी कुछ खामियां हैं, फिर से रुक करेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर से वापस लौटेंगे अजयलाल जी के पास। अजयलाल जी आपने इससे पहले जो कहा बहुत बड़ी बात कही, वाकई जो समाज के लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे हमेशा याद रहते हैं, जब भी सरहुल आता है तो ये जो समाज के लोग हैं वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और पूरी शोभा यात्रा में इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन होता है काफी परफेक्टली ये आयोजित करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है इन लोगों पे। अजयलाल जी बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, और यह मान कर चलिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, वो अकेले दीपावली नहीं मना सकता, वो अकेले दशहरे का त्योहार नहीं मना सकता, वो अकेले सरहुल नहीं मना सकता। ऐसे पर्व त्योहार में आपको आपके समाज के को खुश होना जरूरी है, आपके आसपास के जो लोग मौजूद हैं उनका खुश रहना जरूरी है। ये प्रकृति पर यही दर्शाता है कि आप यदि खुश हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपने अगल बगल के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने समाज के लोगों को भी खुश रखिए, तभी आप त्योहार मना सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी बड़ा त्योहार अकेले नहीं मना सकते, आपको समाज की खुशियां चाहिए, आपको लोगों का प्यार चाहिए, और तब जाकर ऐसे दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा अकेले खुश रहने का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति पर्व यही बताता है, और देखेंगे लगातार यहाँ पे लोगों को सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो ये बताता है बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान के बारे में। सम्मान देखिए, ये झारखंड की माँ माटी का त्योहार है सरहुल पर्व,
और इसको हम लोग अपने हृदय और अपने दिल में बसाए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी हमारे तमाम सदस्य हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं और प्रगति पर्व सभी सभी को शुभकामनाएं देते हैं। अजलाल जी अब हमारे साथ बने रहेंगे, हम फिर से अपने दर्शकों को सरहुल की इस शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।